जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जो NIB है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में, इसमें वैकेंसी आई हुई है, तो हम उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैरियर पे जाना है। कैरियर पे जाएंगे तो ये आपको एडवर्टाइज मिल जाएगी 8/2/2023 की, जिसमें है एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट एट NIB नोएडा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है वैकेंसी वाली, और आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। इसमें कितनी पोस्ट हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं। तो हम इन 6 पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करें, इसमें पोस्ट है साइंटिस्ट ग्रेड वन। जो साइंटिस्ट ग्रेड वन है उसकी पोजीशन है, जो नंबर पोस्ट है, नंबर एक ही पोजीशन है, और इसका पे लेवल 13 है। पे लेवल 13 का मतलब क्या है, 1,23,100 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये तक, प्लस NPA जो कि MBBS वाले होते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उनको मिलेगा। और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स, और सिर्फ एक जनरल कैटेगरी की इसमें पोस्ट है। लेकिन जो साइंटिस्ट ग्रेड टू है उसकी भी एक पोजीशन है, इसमें पे लेवल है 10। आप देख सकते हैं 56,100 से लेकर 17,000, 1,77,500 प्लस NPA फॉर मेडिकल पर्सनल्स। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, और एक अनरिजर्व की इसमें पोस्ट आई हुई है। अब जो इनका वेतन है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो वो बाद में कैलकुलेट करेंगे हम कि कितना आपको मिलेगा। अब बात करें जूनियर साइंटिस्ट की, तो बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, लगभग 4 पोजीशंस यहाँ पर हैं, और इसका पे लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। इसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। लेकिन इसमें जो कैटेगरी वाले होते हैं, जैसे कि OBC, ST, SC, उनको एक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जो SC ST की थी, ऑल दो इसमें कोई पोस्ट है नहीं है, बट ये OBC की एक पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट हैं, एक EWS की पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इसमें पोस्ट है, एक पोस्ट है, और इसका पे लेवल 6 है, 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और एक इसमें EWS की बस है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देख सकते हैं, इसमें एक पोस्ट है, इसका पे लेवल भी 6 है, अपर एज लिमिट इसकी 30 है, और एक पोस्ट इसमें OBC की है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी भी एक पोस्ट हुई है, पे लेवल 6 है, 30 ईयर इसमें एज है, और ये एक अनरिजर्व की है, लेकिन ये जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए रिजर्व है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम जो साइंटिस्ट ग्रेड वन है उसमें क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, जो साइंटिस्ट ग्रेड वन है उसमें MBBS फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, PG हो आपका, मेडिकल डिग्री इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब आपने जैसे भी MSc वगैरह किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो हेमेटोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फार्माकोलॉजी, जो फार्मेसी वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, सेरोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ये किया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 10 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने जब MBBS कर लिया है उसके बाद आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपने PG किया है तब उसके बाद आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ये तो हो गया मेडिकल के लिए। बट जो नॉन मेडिकल होते हैं, जैसे कि सॉरी मैं बताना भूल गया, जो MBBS वाले हैं उनके लिए ये है नॉन मेडिकल, जैसे कि हमारा MSc हो गया या MPharm हो गया, तो इन सब के लिए है कि मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जो फार्मेसी वाले होते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन सब में 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 10 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी है। और इसमें जैसे यदि किसी ने PhD किया, जो PhD लेवल का कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और PhD के बाद आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें पेपर पब्लिक एटलीस्ट 7 पब्लिकेशन होने चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड, जो साइंटिस्ट ग्रेड 3 की है, जिसमें कि मेडिकल, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए MBBS चाहिए, MBBS उनका किसी भी इन फील्ड में हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हो सकता है, और जो नॉन मेडिकल है जैसे कि मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी से करके बैठे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, बैक्टीरियोलॉजी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, फार्माकोलॉजी के हैं, जो फार्मेसी वाले होते हैं, उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए, प्लस 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर इनको
एक्सपीरियंस चाहिए रिलीवेंट, वो भी किस फील्ड में, इन सब में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में, बायोलॉजिकल्स एंड थेरापेटिक्स में, तो इन सब में होना चाहिए। इसमें एक और डिज़ायरेबल है, जो हालांकि इसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है कि एटलीस्ट आपके पास टू पब्लिकेशंस होने चाहिए, तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इसमें है जूनियर साइंटिस्ट की, तो जूनियर साइंटिस्ट के लिए इसमें दिया नहीं हुई है इसमें, बट इसमें जो है कि जो मास्टर्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी वाले या फार्माकोलॉजी वाले वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस मिनिमम 1 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में जो इतनी मेंशन की हुई है। यदि इनमें से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई करिए, प्लस डिज़ायरेबल यदि आपको इसमें बेनिफिट चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं एटलीस्ट एक पब्लिकेशन आपके पास है, तो इसमें आपको थोड़ा सा और वेटेज मिलेगा। फोर्थ जो पोजीशन है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी है बीएससी बायोलॉजी जूलॉजी और केमिस्ट्री में होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी जो DMLT वगैरह होता है वो होना चाहिए, प्लस 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेडिकल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो ये तो हो गई हमारी जो टेक्निकल पोस्ट है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें आप बैचलर डिग्री इन द आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 5 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सिक्स जो पोजीशन है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, मतलब मास्टर डिग्री कोई भी हो सकता है, MA होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें।